नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के चाकघाट कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम जारी है। मंडी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से टैक्सों सहित अन्य अनियमितता जमकर जारी है। वर्तमान में मंडी से क्रय की गई धान चोरी छिपे समिति केंद्रों में खपाई जा रही है, जिस पर कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। प्रांगण में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए तो सारी अनियमितताओं की पोल खुल सकती है। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी जांच के दौरान अनियमितताओं को लेकर सचिव सहित अन्य कर्मचारियों पर कार्यवाही की जा चुकी है। ताजा मामला इलेक्ट्रॉनिक कांटे में हेराफेरी कर किसानों से अत्यधिक वजन लेने का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी चाकघाट में एक व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गड़बड़ी कर किसानों से अत्यधिक वजन ले रहा था। शिकायत पर जांच के दौरान मंडी सचिव ने उक्त कांटे को किया जब्त। वहीं मंडी के सचिव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हर रविवार बुधवार खरीदी शुरू होने से पहले कांटे का निरीक्षण होता है, जिसमें ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर खराबी देखने को मिली है और कांटे की जांच कर सुधारा जाएगा, व्यापारी को नोटिस दी जाएगी। आपको बता दें कि मंडी सचिव रविंद्र सिंह अग्निहोत्री मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सचिव यह तक पता नहीं लगा सके कि उक्त कांटा किसका है और जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि मंडी के अन्य लोगों की बात करें तो उक्त प्रकरण में साठगांठ चल रही है व मंडी के कर्मचारियों द्वारा तौल कांटे की कभी भी जांच नहीं होती। त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार।